हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर डीम जे में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस के 39 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षा में दोस्तों आ सकते हैं। और दोस्तों ये सीरीज का पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले सभी पार्ट में अपडेट कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप सभी पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मैं नए वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपको बताना है माइटोकांड्रिया का संबंध है। इसमें दोस्तों आपको बताना है माइटोकांड्रिया का संबंध है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन से। ठीक है, माइटोकांड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी, माइटोकांड्रिया का। ठीक है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है पादप कोशिका में डीएनए होता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, हरित लवक में, ठीक है, माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में, सभी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दीर्घास्थि में, दीर्घास्थि में, मानव शरीर के दीर्घास्थि में लसीका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसमें दोस्तों आपको बताना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में। ठीक है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्र विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकांड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। ठीक है, सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, किसके द्वारा होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विषाणु के कारण होता है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिच पक्षी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। इसमें आपको बताना है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया वर्ग का प्राणी है, चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है एथलीट फुट बीमारी होता है, जिसे दोस्तों हाथी पाव भी बोलते हैं, एथलीट फुट को हाथी पाव बोलते हैं, एथलीट फुट बीमारी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से। ठीक है, फफूंद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है
लीची में खाया जाने वाला भाग है। इसमें दोस्तों आपको बताना है लीची में खाया जाने वाला भाग है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है एरिल, ऑप्शन बी है एंडोकार्प, ऑप्शन सी है एपिकार्प, ऑप्शन डी है मीजोकार्प। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिल। ठीक है, लीची में खाया जाने वाला भाग होता है एरिल, जिसे एरिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है लैंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं, लैंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज में। ठीक है, पैनक्रियाज में लैंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। ठीक है, रुधिर परिसंचरण की खोज सबसे पहले की थी विलियम हार्वे ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है विषाणु की खोज किसने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की ने। ठीक है, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। दोस्तों कुत्ते के काटने पर जो वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कुत्ते के काटने पर जो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इसमें दोस्तों आपको बताना है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ल्यूवेन हाग ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हाग ने और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ में। ठीक है, शकरकंद में भोजन संग्रहित स्तंभ में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। इसमें दोस्तों आपको बताना है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है प्रकंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। इसमें दोस्तों आपको बताना है लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगाणुओं से। ठीक है, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है आपातकालीन ग्रंथि है। इसमें दोस्तों आपको बताना है आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। ठीक है, नियासिन पदार्थ की लगातार कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसमें दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं, जिसे रक्त का दोस्तों कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है लड़का पैदा होगा जब, इसमें दोस्तों आपको बताना है लड़का पैदा होगा जब, जब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई गुणसूत्र हो, जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसमें दोस्तों आपको बताना है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया। ठीक है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है श्वसन दर सबसे कम होती है, इसमें दोस्तों आपको बताना है श्वसन दर सबसे कम होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निद्रा में खर्राटे भरते समय। ठीक है, निद्रा में खर्राटे भरते समय दोस्तों श्वसन दर सबसे कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है न्यूक्लियस की खोज की थी, इसमें दोस्तों आपको बताना है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है, इसमें दोस्तों आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसमें दोस्तों आपको बताना है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, इसमें दोस्तों आपको बताना है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दायां आलिंद। ठीक है, फेफड़ों में रक्त दायां आलिंद द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, इसमें दोस्तों आपको बताना है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत रक्त कण। ठीक है, श्वेत रक्त कण जिसे WBC के नाम से जानते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण जीवाणु से रक्षा करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है वायुमंडल में भारी गैस कौन है, वायुमंडल में भारी गैस कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने कितने डिग्री होता है, ठीक है, कितना होता है, स्वस्थ शरीर के मनुष्य का ताप कितना होता है, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ये दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर को कितने निकोटिन, ठीक है, अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसमें दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर को कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 15 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों ये 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो दोस्तों मुझे आपको बताना है मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों आपको कोई कमेंट है सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।